वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा वीडियो वर्किंग वुमन्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि हमें पार्टी या किसी फंक्शन में जाना होता है और ऑफिस से आने में देर हो जाती है। इतना टाइम ही नहीं बचता कि हम पार्लर जा सकें या बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास होता है कि हम आराम से मेकअप कर सकें। तो अगर 10 से 15 मिनट का टाइम है हमारे पास तो उसके अंदर हम कैसा मेकअप कर सकते हैं फटाफट, और अगर हमारे बाल वॉश नहीं है, गंदे हैं, 4-5 दिन पहले के धुले हैं, तो उनको किस तरीके से स्टाइल किया जाए, क्योंकि ऐसे बालों को आप खुला भी नहीं रख सकते हैं और समझ में नहीं आता कि इनके साथ क्या किया जाए। तो आज का मेरा वीडियो आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है, जिसमें आप 10 मिनट्स के अंदर मेकअप कर सकते हैं और 5 मिनट्स के अंदर ये हेयर स्टाइल बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइजर से मॉइस्चराइज करें। अगर स्किन ज्यादा ऑयली है तो इसको स्किप कर दें। इसके बाद आप यूज करें फेस प्राइमर, और अगर फेस प्राइमर नहीं है तो एलोवेरा जेल यूज करें। थोड़ा सा अपने नेक पर भी लगाएं और फेस पर भी लगाएं। इसके बाद मैं यहाँ पर मेबरिन का फिट मी कंसीलर यूज कर रही हूँ। जहां जहां पर आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट्स हैं या फिर डार्कनेस है, वहां पर आप इसको अप्लाई करें और इसको ब्लेंड करें स्किन के अंदर अच्छे तरीके से। ब्रश है तो ब्रश से करें, नहीं तो आप हाथ से भी आसानी से ब्लेंड कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं अपने लिप्स के अराउंड जो स्किन है वहाँ पर मैंने लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैकनेस है मेरे। इसके बाद आप अंडर आईज पे इसको लगाएं और यहाँ पर भी इसको ब्लेंड करें। यहाँ पर एक साइड में थोड़ा सा कंसीलर ज़्यादा लग गया है तो मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ अपने आईज के ऊपर भी। अपने आईलिड्स पर भी लगाएंगे और इसको स्प्रेड करेंगे सब तरफ। यहाँ पर मैं फिंगर का यूज़ करके इसको स्प्रेड कर रही हूँ जिससे आसानी से हो सके। आप यहाँ पर थोड़ा सा नोज़ के ऊपर और अपने फोरहेड पर थोड़ा सा लगाएंगे ताकि थोड़ी ब्राइटनेस यहाँ पर नज़र आए, और इसको भी ब्लेंड करेंगे। इसके बाद मैं फिट मी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। इसका नंबर है 128 वार्म न्यूट, और इसको अपने फेस पर अप्लाई करें। मैं थोड़े थोड़े से एरिया में इसको लगाकर और ब्लेंड कर लेती हूँ, एक साथ पूरे फेस पर नहीं अप्लाई करती, वरना जब तक आप एक जगह पर इसको ब्लेंड कर रहे होते हैं दूसरी तरफ ये थोड़ा सा ड्राई होने लगता है फाउंडेशन। तो मैं थोड़े थोड़े से एरिया में इसको लगाकर और इसके बाद इसको ब्लेंड करना पसंद करती हूँ। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर या फिर अपने हाथ से भी फेस पर इसको ब्लेंड कर सकते हैं। पूरे फेस पर अच्छे से ब्लेंड करने के बाद फाउंडेशन को अपने नेक पर भी लगाएं, जहां तक का एरिया आपका ओपन है, सब तरफ इसको लगाकर, और गले पर भी इसको अच्छे से ब्लेंड करें और ईयर्स के ऊपर भी लगाकर इसको ब्लेंड करें। इसके बाद मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें मेकअप का यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास जो भी है आप उस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, जो भी ब्रांड का आपके पास है। तो कॉम्पैक्ट लगाने के बाद मैं थोड़ा सा ब्रश से इसको एक्स्ट्रा वाला निकाल रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर लैक्मे 9 to 5 का तंजोर रश पैलेट लिया है आई शेडो का,
और इसके मैं सिर्फ दो शेड यूज़ करूँगी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हम बहुत ज़्यादा शेड्स यूज़ करके टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर मैंने जो इसका ऑलिव ग्रीन कलर है इसको लिया है, तो इसको मैं अपने आईलिड के आउटर कॉर्नर पे लगाऊंगी वी शेप देते हुए, और इसको ब्लेंड करेंगे हम अंदर की ओर लाते हुए क्रीज पर। क्रीज से बाहर ऊपर के साइड नहीं जाना चाहिए, हमें इसके अंदर ही इसको यूज़ करना है क्रीज के, जैसा कि आप देख रहे हैं। आउटर कॉर्नर से हल्का सा अंदर के साइड में इसको लगाना है, मिडल तक नहीं लाएंगे हम इसको। अब इसका मैं दूसरा शेड ले रही हूँ गोल्डन कलर, तो इसको मैं इनर कॉर्नर से लेके 1/3 एरिया तक इसको अप्लाई करूँगी और अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी ऑलिव ग्रीन कलर के साथ। गोल्डन कलर ब्लेंड करने के बाद थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन कलर बहुत ही लाइट सा और लेंगे और इसको इनर कॉर्नर तक सिर्फ क्रीज के ऊपर ब्लेंड करेंगे। तो ये हमारा हो गया है आई शेडो, और अब एक साफ ब्रश लेकर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर के साइड में ब्लेंड करूंगी ट्रांजिशन एरिया के पास, ताकि कोई हार्श लाइन हो तो वो नहीं दिखाई दे और अच्छे से हमारा आई शेडो ब्लेंड हो जाए। मेकअप में सबसे ज़्यादा टाइम आपको आई शेडो ब्लेंड करने में ही लगता है, तो बाकी सब काम हम फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लैक्मे का काजल यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं काजल को ही आईलाइनर के जगह पर यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि हमारा टाइम बचेगा, क्योंकि लिक्विड लाइनर सूखने में भी टाइम लगाता है और अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। यहाँ पर अपना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि काजल को ही हम लाइनर की तरह यूज़ कर रहे हैं। हल्का सा स्ट्रेच करते हुए लगा लें, बहुत ही आसानी से लग जाता है और इसको आपको सुखाने का भी झंझट नहीं होता है। तो लाइनर लग चुका है, मैं इसी से काजल नीचे लगाऊंगी। आप चाहें तो सिर्फ लाइनर लगाकर भी छोड़ सकते हैं। तो ये काजल और लाइनर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यूज़ करूंगी मस्कारा, ये भी लैक्मे का आइकॉनिक मस्कारा है। आपके पास जो भी प्रोडक्ट हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अपर एंड लोअर लैशेस पर इसको दोनों पर यूज़ करना है। इसके बाद मैं ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, ये मोविश पिंक शेड का ब्लशर है, और इसको अपने चीक बोन्स के ऊपर अप्लाई करेंगे दोनों साइड। आप अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग जो भी शेड लगाना चाहें, यूज़ करना चाहें, कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी मैं शेड्स बता रही हूँ, चाहे आई शेडो का है या ब्लशर का है या लिपस्टिक का है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर ब्लशर के ऊपर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि इवन दिखाई दे। तो इसके बाद मैं कलर बार की लिपस्टिक पीच क्रश यूज़ कर रही हूँ, 59P शेड है इसका, और ये मेरे साड़ी से मैचिंग है। तो ये जो मेकअप कर रही हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग ही कर रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला है, आप अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेकअप चूज़ कर सकते हैं, जो भी लिपस्टिक या आई शेडो आपको यूज़ करना है। तो लिपस्टिक भी हमारी कम्प्लीट हो चुकी है। अब मैं अपने हेयर स्टाइल की तरफ आती हूँ। तो ये देखिए मेरे बाल से धुले हुए, 3-4 दिन पहले के धुले हैं, और इसको मुझे स्टाइल करना है। तो क्या करूँगी मैं कि यहाँ पर मैं साइड का पार्टीशन दूँगी और पूरा पीछे तक नहीं ले जाना है, फ्रंट में ही रखना है। और फिर जहाँ से पार्टीशन दिया था वहाँ से ईयर्स तक हम फिर से एक और पार्टीशन देंगे, और ये इस तरह से अलग कर लेने हैं बैक साइड एंड फ्रंट साइड के बाल। इनको मैं क्लिप लगा देती हूँ जिससे कि ये मिक्स नहीं हो पीछे, और इसी तरीके से इस साइड भी कर लेंगे ईयर्स तक का डिवाइड, और इधर से इसको साइड में ले आएंगे कॉम करते हुए।
अब ये जो फ्रंट के मैंने बाल अलग किए थे, पार्टीशन किया था, इनको हल्का सा ट्विस्ट करते हुए बैक साइड में बालों को इनके साथ मर्ज करते हुए इस तरीके से लेकर और ट्विस्ट करते हुए दो ट्विस्ट करेंगे और फिर से थोड़े से बाल इसमें मिक्स करेंगे लेकर। ज़्यादा ऊपर की ओर इसको नहीं करना, नीचे नीचे ही रखना है। और फिर से एक बार लेंगे और दो बार ट्विस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तीन बार इसमें बालों को ऐड किया है जो बैक साइड में मैंने छोड़े थे। और उसके बाद ये टिक टैक क्लिप लेकर जो ये यहाँ पर लगाकर इन बालों को सिक्योर कर दूंगी जिससे कि ये निकले नहीं। हल्का सा जो हमने ट्विस्ट किया था इनको खींचकर थोड़ा सा फुला देना है बालों को। इसके बाद दूसरे साइड में जो बाल हैं उनको अभी छोड़ देना है आगे, जो हमने बैक साइड में छोड़े हैं उनको लेंगे हाथ में और इनको नीचे तक कॉम नहीं करना है जिससे कि थोड़े से कर्ली रहें। हाफ वे तक हमें अपने बालों को कॉम करना है। इसके बाद इनको हल्का सा ट्विस्ट करते हुए, ज़्यादा नहीं करना है, दो या तीन ट्विस्ट दे दीजिए और उसके बाद घुमाकर वही टिक टैक क्लिप लेकर और इसको यहाँ पर लगा देना है जिससे कि ये ओपन ना हो और जूड़े का शेप दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने हल्के हैं और मीडियम से भी कम छोटी लेंथ के हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको सिर्फ एक बार ट्विस्ट किया है, मतलब जब क्लिप लगाने से पहले, और जूड़े का सा शेप दे दिया है। अब जैसे हमने दूसरी तरफ के बालों को ट्विस्ट करते हुए पीछे ले गए थे, उसी तरीके से हम इधर के बालों को भी थोड़े थोड़े से ज्वाइन करते हुए ट्विस्ट करेंगे। पहले थोड़े से बाल ऐसे अलग कर लेते हैं और इसके बाद थोड़े थोड़े से लेकर इनको ट्विस्ट करेंगे और दो बार ट्विस्ट करेंगे इसको, जिससे कि जो बाल हम इसमें ऐड करते जाएंगे उनका अलग से दिखाई देंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा कुछ डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये हो गया। अभी ये थोड़ी सी बालों की लट आगे की ओर छोड़ देंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो ये सारे कंप्लीट हो गए। अब इसको जो हमने पहले क्लिप लगाई थी उसके ऊपर इसको हम लगा देंगे और हल्के से आप देख रहे होंगे नीचे से कर्ल से हैं क्योंकि मैंने इनको कॉम नहीं किया था जिससे कि ये थोड़े फूले हुए से दिखाई दें। तो ये रेडी हो गया हमारा हेयर स्टाइल, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा जो जूड़ा हमने बना रखा है इसको थोड़ा सा जगह जगह से थोड़ा सा हाथ से खींच कर इसको फुला देंगे। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा हेयर स्टाइल। बहुत ही कम टाइम लगा हमें इसे बनाने में। और सॉरी मैं भूल गई थी अपने आईब्रोज को फिल करना, तो यहाँ पर मैं आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। आप आईब्रो पेंसिल या आईब्रो पाउडर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपनी आईब्रोज फिल करने के लिए। और मैंने अपना आउटफिट चेंज कर लिया है, मैंने साड़ी पहनी यहाँ पर और मैं बिंदी लगा रही हूँ और साथ में इतनी ज्वेलरी भी पहन रही हूँ। जो मेकअप मैंने आपको और हेयर स्टाइल यहाँ पर बताया है, आप इसको इंडियन आउटफिट या फिर वेस्टर्न आउटफिट किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, दोनों के साथ ही अच्छे से जाएगा। सिर्फ आप बिंदी नहीं लगाएंगे अगर आप वेस्टर्न पहन रहे हैं तो। और देख लीजिए ये लुक कम्प्लीट हो चुका है, हेयर स्टाइल एंड मेकअप दोनों। आपको कैसा लगा ये लुक? अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।